आपकी मीडिया के माध्यम से हमारे तमाम साथियों की बात हम उच्च पदाधिकारियों तक पहुंचे और आप पहुंचाएं, इसके लिए पूरा हमारे इस राज्य के खगड़िया जिला के सभी सुरक्षा कर्मी आपके लिए दुआ करेंगे, आपके चैनल के लिए भी दुआ करेंगे कि आपने हमारी बात को उच्च पदाधिकारियों तक पहुँचाने का काम किया है। आइएगा तब ना आप लोगों का भी आएगा क्वेश्चन, कौन कौन चीज पूछिएगा मालूम है। चलिए अच्छा सर, आज जो यहाँ जो गिरधारी कॉलेज के मैदान में जो रखा गया है मीटिंग, इसका मुद्दा क्या है सर? इसका सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि भारत सरकार की तरफ से जो लेकर आया है सभी राज्यों के जो हमारे निदेशक हैं उनको कि स्वच्छतागढ़ियों का जो SBNG पर नाम रजिस्टर किया गया है उसके ID को ग्रीन करवाना है, पहला मुद्दा ये है इस चीज को लेकर के। और साथ ही साथ मानदेय प्रोत्साहन राशि की जो भुगतान की बात है वो तो बहुत दिनों से चल रहा है और बहुत इस मुद्दे को भी उठाने के बाद हमारे बहुत सारे साथियों को भुगतान हुआ भी है। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि जब हमारा जिला या हमारा राज्य ODF होने की ओर जा रहा है तो हमारे पूरे बिहार में जो 27,000 लगभग के जो स्वच्छतागढ़ी है, जब राज्य ODF हो जाएगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? क्योंकि जब हम दिल्ली गए हुए थे 6 जनवरी को तो वहाँ के जो संयुक्त सचिव हैं समीर सर से बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि स्वच्छतागढ़ियों को लेकर के हम बहुत बड़ा कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, आप लोग एक्टिव हो उसके लिए हम अच्छा करेंगे। तो फिर इधर कुछ दिन पहले ZSVP सब का दिल्ली में जो बैठक हुई थी, कार्यशाला था 3 दिवसीय, उसमें हमारे सर से स्वच्छतागढ़ियों के हित को लेकर के प्रश्न किया था तो उसमें हमारे संयुक्त सचिव ने कहा था कि विभागीय स्तर पे स्वच्छतागढ़ियों को लेकर के परिणाम आधारित संविदा अथवा परमानेंट रखा जाए या स्वच्छतागढ़ियों की उपयोगिता हम आगे के योजनाओं में किस तरह से करें उस पर गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि चुनाव समाप्त होने के बाद ही कुछ अच्छी खबर स्वच्छतागढ़ियों के लिए विभागीय स्तर से जाएगा और इस चीज को लेकर के हम लोग भी आशान्वित हैं कि हम लोगों ने जो गत 3-4 वर्षों से कड़ी मेहनत किया है रात दिन पंचायतों को ODF कराने में, उस मेहनत का रंग बहुत जल्द ही आने वाला है और हम लोगों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि विभाग हम लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे और हम लोगों का जो सपना है कि हम एक सरकारी कर्मी के रूप में विभाग में काम करें उसी तरह से हमारे सभी स्वच्छतागढ़ी साथी इस जो विभागीय तमगा होता है कि सरकारी कर्मी, उस सरकारी कर्मी का दर्जा हमें निश्चित रूप से विभाग के स्तर से मिलेगा और सभी स्वच्छतागढ़ियों के परिवारों की भलाई होगी। इस चीज को लेकर के इन तमाम मुद्दों पर हमने जानकारी शेयर करने के लिए आज इस बैठक को आयोजित करवाया था और इसमें आप देख रहे हैं जैसा कि बहुत सारे स्वच्छतागढ़ी साथी आए भी हैं और उनके साथ हमने अपनी बातों को शेयर भी किया है। और सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो है कि आप अगर स्वच्छ भारत मिशन आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जमा करके अपना ID ग्रीन करवा लें, क्योंकि जब ये डाटा वहाँ पे फिट किया जाता है और सबमिट करने के बाद फिर ID ग्रीन हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि विभागीय उदासीनता की वजह से हमारे स्वच्छतागढ़ी साथियों के साथ में सबसे ज्यादा यदि कोई क्रश करता है तो वह है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की लापरवाही की वजह से हमारे सभी स्वच्छतागढ़ी साथी आज ये क्या कहते हैं दाना का मोहताज बने हुए हैं। इतने दिनों से काम किए हैं लेकिन अभी तक कुछ मिल नहीं, मतलब समय पर मिल नहीं पाता है। तो हमको ये आशंका हो रही है कि भारत सरकार से जो लेटर आया है उस लेटर को भी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ही दरकिनार करने का काम कर रहा है ताकि सभी स्वच्छतागढ़ी सक्रिय या भारत सरकार के साइट पे सक्रिय स्वच्छतागढ़ी के रूप में दर्ज ना हो जाए, इसलिए भी वो जानकारी शेयर नहीं करते हैं। हमें जो पत्र प्राप्त हुआ है उस पत्र के आलोक में ही हम सभी जिला जाकर के स्वच्छतागढ़ियों की ये जानकारी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपना ID ग्रीन करवा लीजिए और हमारे सभी साथियों ने भी
कहा है कि सर हम 100% अपना आईडी ग्रीन करवाने का काम करेंगे, चाहे कार्य का बहिष्कार ही हमको क्यों नहीं करना पड़े। क्यों भाई जी, आईडी ग्रीन नहीं होगा तो कार्य बहिष्कार होगा ना। जय स्वच्छता, राष्ट्रीय स्वच्छता ग्राही संघ, राष्ट्रीय